सहकारी मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, मंच पर विराजमान केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन जी, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय श्रीमती उमा नंदूरी जी, मेरे सम्मुख उपस्थित श्रीनगर शहर के मेयर विनायक मक्टू साहब, श्री रविंदर रैना जी, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर अंदरा भी, अनेक सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के विशिष्ट प्रतिनिधिगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी हमारे सहयोगी, सम्मानित कलाकार, कला में रुचि रखने वाले देवी और सज्जन और मित्रों, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की समृद्ध विरासत इस महाउत्सव के उद्घाटन के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी कलाकारों का अभिनंदन करता हूँ। चिकित्सा फेस्टिवल मात्र एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एक ऐसा सेतु है, एक ऐसा वृक्ष है जो विकसपा को गंगा से और कवि को तिस्ता से जोड़कर जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत तथा कला शिल्प और लोक परंपराओं को पूरे भारतवर्ष से परिचित कराता है। आज देश का कोना कोना इस बात से जागृत हो रहा है कि राष्ट्र का मुकुटमणि सिर्फ नदियों, झीलों और बर्फ से लदे पहाड़ों की वजह से खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसके कोने कोने में, इसके कणकण में प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनमोल हीरे भी खड़े हैं। जम्मू कश्मीर की लोक परंपरा में अगर भारत की धड़कन छुपी है तो इसके संगीत और साहित्य में मौजूद विविधता एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को नई शक्ति प्रदान करती है। यहाँ माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, ऋषियों और सूफियों, सूफी फकीरों की सूर्या क्षेत्र में सभी मजहब, सभी पंथ, सभी संस्कृतियों को अपने में समेट कर देश की विविधता में बसी एकता पुष्टित और पल्लवित किया। अभी मेरे पूर्व संचालक महोदय जी कर रहे कल्हण ने राज चरंगड़ी में लिखा है कि वह भूमि है जहाँ गंगा के पावन स्रोत से पावन भेदगिरी पर्वत पर स्थित सरोवर में देवी सरस्वती हंस रूप में दिखाई पड़ती है, जहाँ देवताओं द्वारा अर्पित पूजा के चंदन मिलते हैं और इस भूमि पर तिल मात्र भी ऐसा स्थान नहीं है जो तीर्थों से खाली है। ऐसी पावन मिट्टी इस शारदा पीठ की ऊर्जा को आदिकाल से अनेक महान विभूतियों ने शोभित किया है और आज भी इसके पहाड़ियों घाटियों से निकल रहे प्रकृति के स्वरों में ललेश्वरी, नुंद ऋषि, अब्बा खातून के गीतों की धुन सुनाई पड़ती है। भारतीय संगीत के मूल आधार जो ग्रंथ है संगीत रत्नाकर की जड़ें भी जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में। एक मिनट में बात खत्म करो। अभी दो दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जब अपनी अमेरिका यात्रा पर लैब ग्रोन डायमंड का उपहार लेकर गए थे, जिसे कश्मीर की खास हस्तकला के फरमासी गिफ्ट बॉक्स में पैक किया गया। जम्मू कश्मीर में पेपर मासी से जुड़े सभी कलाकार के अस्तुओं अपनी सत्साजी और नक्काशी के लिए मशहूर यह कलाकृति व्हाइट हाउस पहुंच गई है और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज उसकी चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर की प्राचीन ऐतिहासिक विरासत को सहेजने के लिए जम्मू संभाग के 18 और कश्मीर संभाग के 70 पौराणिक स्थलों को रिनोवेट करने का काम किया जा रहा है। 200 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने की कोशिश हो रही है और
2021 में जो फिल्म पॉलिसी यहाँ बनी, अब तक 300 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आजादी के अमृत महोत्सव गुजरात द्वारा आयोजित 44,155 इवेंट के पश्चात कल तक हम दूसरे नंबर पर थे, आज देश में जम्मू कश्मीर नंबर एक हो गया है, ये मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में लौकिक 300 प्रॉस्पेरिटी ने यहाँ के नौजवानों को प्रेरित किया और वो अपने पैशन को फॉलो करें और आजकल अलग अलग जगहों पर लोग कुछ सामने आकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के क्यूजिंग, शिल्प, संगीत और कला की विभिन्न विधाओं के एक नए युग की शुरुआत है। चेन्नई के विदस्ता फेस्टिवल में मुझे स्वयं शामिल होने का अवसर मिला और मैंने इस बात को महसूस किया कि पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की हरा एक होकर जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को 140 करोड़ देशवासियों तक पहुंचाने के लिए उत्साहित है। मुझे विश्वास है आपके मार्गदर्शन में आने वाले भविष्य में असीम सृजनात्मकता के साथ जम्मू कश्मीर जीवन मूल्यों और कलात्मकता के नए शिखर को जरूर प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सज्जनों, आज देश में ही दुनिया भर में जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से कश्मीर के प्रति जो सकारात्मक सोच और उत्साह नजर आता है वो नए भारत के नए कश्मीर की तस्वीर पेश करता है। श्रीनगर में G20 देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन इसका बहुत बड़ा और ताजा उदाहरण है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी इन सभी प्रयासों का हिस्सा रही है। आज हम सबके बीच यहाँ उनकी गरिमामय उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा श्री मीनाक्षी लेखी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए बधाई। अमित भाई, हम सबके भाई जिन्होंने केवल गृह मंत्री और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव रहते हुए